हेलो दोस्तों, उपस्थित हूँ नई जानकारी के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मुंह के छालों को ठीक करने वाली जेल के बारे में। इस जेल में कंटेन है कोलीन सेलेसिलेट और लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट मुंह में होने वाले अल्सर को दूर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये जेल मुंह में होने वाले छालों के कारण दर्द, सूजन और जलन को दूर करती है। इस जेल में लिग्नोकेन है जिसका उपयोग लोकल एनिस्थीसिया के रूप में किया जाता है। ये प्रभावित हिस्से को सुन करता है जिससे कि दर्द में तुरंत राहत मिलती है। तो दोस्तों, लिग्नोकेन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है पाइल्स की समस्या में और मुंह के छालों में। तो दोस्तों, कोलीन सेलेसिलेट और लिग्नोकेन दोनों ही मुँह के छालों को ठीक करने में मदद करते हैं। ये घटक दर्द, लालिमा और सूजन को कम करते हैं। इसलिए अगर आपको मुंह में कहीं पर भी छाले हैं, होठों पर है, जीभ पर है या फिर तलुए में है, तो फिर इस जेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस जेल को छालों पर कैसे लगाया जाता है। इसको छालों पर लगाने से पहले आप अपने हाथों को साबुन या फिर हैंड वॉश से अच्छे से धो लें ताकि हाथों में इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद में इस जेल को उंगली पर लेकर के जहाँ पर भी छाले हो रखे हैं वहाँ पर इसको लगाएं। बस ध्यान ये दें कि इसको मुंह में लगाने के बाद में इसको निगलना बिल्कुल भी नहीं है। और फिर कुल्ला आप लगभग 10 मिनट के बाद में करें। और जब तक आपके मुंह में छाले हैं तब तक आप इसे रोज़ाना हर 4 घंटे के अंतराल में लगाएँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोलीन सेलेसिलेट से एलर्जी है तो फिर इस जेल का इस्तेमाल आप नहीं करें। और अगर आपके पेट में अल्सर है तो भी इस जेल को लगाने से पहले आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कोलीन सेलेसिलेट और लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसको प्रभावित हिस्से पर लगाने से जलन, चुभन या फिर लाल चकते होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कभी कभार इससे मुंह या फिर गर्दन में सूजन की समस्या हो सकती है। और दोस्तों, इसमें लिग्नोकेन है इसलिए इसको लगाने से सुन्न होने का एहसास भी होता है। वैसे दोस्तों, ये साइड इफ़ेक्ट्स अस्थाई होते हैं इसलिए कम समय के लिए ही रहते हैं। इस जेल का प्रभाव ख़त्म होते ही दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।